हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स कैसे हो आप सब बेटा? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज है अपन लोग डिस्कशन करेंगे आपका चैप्टर नंबर फोर के बारे में। चैप्टर नंबर थर्ड के जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगे, तो उसकी चिंता आप छोड़िए, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ टुडे इन दिस सेशन वी विल गो एंड डिस्कशन द चैप्टर नंबर फोर। व्हाट इज इट अ चैप्टर नंबर फोर? ओके, तो वो आपको बोला गया है कि आपके अगल आस पास जो मटेरियल है वो कैसे है, मटेरियल होता क्या है, उससे किस किस तरीके से अपन लोग यूजेस निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया गया है। कोई भी चीज मटेरियल होती है जो आपके चारों साइड अराउंड यू बी सीन एनीथिंग एल्स, ऑल दीज थिंग्स आर द मटेरियल्स सच एज बेंच चेयर, देन बेंच चेयर, प्लास्टिक बॉटल, बैग एंड बकलेट एंड मैनी मोर थिंग्स सच एज चॉक, सुगर देन सॉल्ट, वाटर, लिक्विड वाटर एंड सम अदर लिक्विड सॉलिड एज वेल एज गैसेस आर आल्सो आर द मटेरियल्स। बट यदि हम इसको नॉर्मली तौर पर क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो हम सिंपल तौर पर इनको खुद इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हम इन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पर इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सच एज सॉलिड। तो सॉलिड में वो सारे मटेरियल रखिए जो हार्डनेस होते हैं, जिनमें हार्डनेस भरी होती है, जिसको आसानी से पुश करने पर वह दबता नहीं है, सच एज चॉक, इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ सॉलिड, डस्टर, बोर्ड, स्टोन, पेन, देन बेंचेस, टेबल, चेयर, दीज आर द सॉलिड मटेरियल्स। तो सॉलिड मटेरियल को एक साथ रखें और जो सॉलिड है, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड मटेरियल्स। सो इन द लिक्विड मटेरियल्स यू कैन राइट और टेक अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड सच एज वाटर, ऑयल, देन मिल्क, ऑयल, वाटर, मिल्क, देन हनी बियर, हनी, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मटेरियल्स। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बट सॉल्टेड तरीके से ये। ओके, नाउ एंड द लास्ट वन इट इज द गैसेस टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैसेस टाइप ऑफ मटेरियल सच एज गैसेस टाइप ऑफ मटेरियल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड मैनी मोर अदर गैसेस आर आल्सो, हीलियम, आर्गन, नियॉन। ओके, सो दीज आर द गैसेस टाइप ऑफ द मटेरियल। वे अपन लोग जो है नॉर्मली मटेरियल को इन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पर अलग कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात तो हम करेंगे, उससे पहले ये जानना हमें जरूरी था और देख लेते हैं कुछ ऐसे मटेरियल को आप जिनकी शेप राउंड रहती है ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सच एज योर टेनिस बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दीज आर द राउंडिंग टाइप ऑफ मटेरियल्स आर द। Now, some are the materials are the rod-like shape, such as the your fan, ceiling fan, such as rod, and such as your benches. It is the rod types of the material are that. और कुछ material को आप लोग plastic वाले material पे भी classify कर सकते हैं। Plastic वाले material पे यदि हम बात करें तो plastic वाले material में आप लोग समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपका bottle हो गया, आपका बॉटल हो गया, बॉटल के साथ साथ आपका बकलेट हो गया, कुछ ऐसे बॉटल हो गए जो ट्रांसपेरेंट है, कुछ ऐसे बॉटल हो गए जो कि ओपेक्यू हैं, कुछ ऐसे बॉटल ले सकते हैं जो आप ट्रांसुलेंट हों। ओके, सो दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स। नाउ गो एंड डिस्कशन अबाउट द सम मेजर थिंग्स विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। सो विदाउट एनी वेट चलिए देखते हैं।